जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये दो दो घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारिक जमील पर इस टाइम सख्त सदमे का वक्त है। जब उन्हें नमाज जनाजा के लिए बुलाया गया, उन्होंने चंद मिनट जो बात की और अपने बेटे के बारे में बताया कि वो किस तबीयत के मालिक थे और अल्लाह ताला को कितना पसंद करते थे और कैसे गुफ्तगू किया करते थे मेरे साथ और मैं उनकी बात सुनता था, हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करेंगे और इसकी मुकम्मल ऑडियो शेयर करेंगे ताकि आप सुन सकें कि मौलाना साहब अपने बेटे के बारे में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़ बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज था, हरूफ की पहचान नहीं थी। और खुदारा, मैं अपने तमाम चाहने वालों से गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब के या उनके बेटे के लिए गलत कमेंट्स मत करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, किसी पर बीमारी आती है और अल्लाह किसी को सेहत अता करता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब की फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसलिए ना ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने इसको अकल और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है।